हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज मैं इस चैनल पर वॉइस की सीरीज में लेकर आया हूँ डे 14 का वीडियो, जिसमें हम आपको कुछ खास जो है स्ट्रक्चर के बेस पर आने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके लिए हम दो तरीके आपको बताएंगे। और ये बहुत ही खास है, आप चाहे छोटी क्लास में हों या बड़ी क्लास में हों या फिर आप किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस आपको फंसाते हैं 100%, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है इसका एक्टिव सेंटेंस का, वो कैसा होता है और पैसिव का कैसे बनता है, ठीक है। अब याद रखें, जो वॉइस होता है गाइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियर अबाउट कुल मिला जुला करके मान चलिए तो 20-25 रूल्स ऐसे होते हैं जो हमको याद रहना चाहिए, राइट ना। ट्रांसलेशन के जो टेंस होता है उस टेंस के अलावा, ठीक। तो अगर आपको इतना याद रहता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग एक रूल है, इसको आप जान लीजिए। तो हमें देना है, देखना है ध्यान से कि स्ट्रक्चर अगर एक्टिव वॉइस का, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उस एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना है, और उस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर ऐसा मिल गया तो उसका पैसिव वॉइस सिर्फ इसी तरीके से बनेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, राइट। तो हमें ध्यान देना है, पहले ये शॉर्ट में जो लिखा है इसका आप समझ लीजिए, जहाँ ज़रूरत लगेगी अपना वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहे और उसके बाद में वर्ब रहे, और आई का मतलब इनडायरेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे प्लस अदर वर्ड्स कुछ भी रहे, तो हम उसका पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाएंगे, राइट। और ये दोनों प्रकार 100% करेक्ट हैं। पहले में आप चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लेंगे यहाँ से उठा के यहाँ पे, उसके बाद में टेंस के मुताबिक, जो टेंस हमारा है, जो टेंस को चेंज करते हैं उस रूल्स को आप जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो मैं आगे एक पिक्चर दे रहा हूँ, उसे आप देख लेना और उसे आप एक नोट कर लेना, ठीक। तो टेंस ये है सारा स्ट्रक्चर जो प्रत्येक टेंस का दिया गया है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे टेंस दिया गया है, राइट साइड में आपका ये दिया गया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कैसे चेंज होगा, इसे देख लीजिए। टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब्स लग जाएगी, उसके बाद में हम वर्ब को रखेंगे, फिर हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रखेंगे, उसके बाद में बाई, फिर हमारा जो ये सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ जाता है, जिसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ भी एग्जाम्पल में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इस बात को समझ लेना। और उसके बाद में अदर वर्ड्स रखे जाएंगे। दूसरा नियम में केवल इतना चेंजिंग है, इसमें क्या था कि सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा था, लेकिन अगर दूसरे नियम की हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख देंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रख लेंगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से अब बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी सारी सेम हैं, मतलब केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंजिंग करना है दोनों रूल्स में अलग अलग, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। और एक विशेष पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ कब करते हैं उसको भी जानने के लिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पर देखेंगे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो अगर इस स्ट्रक्चर पर आपके पास सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस का, तो उसका पैसिव वॉइस सिर्फ इन दोनों नियमों से बनाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, द टीचर टॉट हिम हिंदी। अच्छा, एक चीज़ और जान लेना, जैसे आपको ये नहीं पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखेंगे टीचर जो है वो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में वर्ब लगा हुआ है, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये देखिए मैंने बताया ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अदर वर्ड्स मान लो इसमें नहीं, अगर होते तो उसके बाद में हम आगे रख देते। अदर वर्ड्स जैसे मान लो मॉर्निंग, एस्टरडे, आफ्टरनून, जो भी टाइम होता है तो वो आप यहाँ पे आगे लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ हो गई स्ट्रक्चर में। आप देखते हैं कि क्या यह स्ट्रक्चर
जो एक्टिव वॉइस का है ये तो करेक्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस में जरा देखिए ये वाला मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पैसिव वॉइस गाइस, अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस में क्या है देखेंगे हम ध्यान से। पैसिव वॉइस में सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने उठा लिया, तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में जब रखेंगे, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था ये ऑब्जेक्टिव केस में था, राइट ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस में था। लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यह जो वर्ड है वो चेंज होकर के ही बन जाएगा, मतलब कि यह सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप केस भी देख लेना, पिछले वीडियो में मैंने बनाया भी है कैसे जो है इसका जो है केस चेंज होता है, ठीक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के हिसाब से यहाँ टॉट लगाया गया है, इसका मतलब यह है पास्ट टेंस में जाएगा, और टीचर मतलब ये ही जो है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा। अगर ये प्लूरल होता तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता, ठीक। आगे फिर क्या है हमारा मेन वर्ब है, वर्ब का यही फॉर्म रहेगा, और उसके बाद में हमने क्या किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका उसको उठा के रख दिया। फिर हमने क्या किया भाई जनरल रूल्स की तरह वाई लगाएंगे, और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट था यह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, राइट, बिकॉज इसका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ही बन गया ना, तो अब ये जो होगा यह आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया। तो मैंने ये जो लिखा है इसका मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में, ये यहाँ से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला रूल। अब दूसरा वाला रूल देख लीजिए, हम देखेंगे कि दूसरे रूल में ये वाला स्ट्रक्चर है, तो हमने बस यही देखना है ध्यान से कि जो ये सेम था सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है, बस हमको ये देखना है कि जो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अब वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठ करके मान लो यहाँ पे रख सकते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, फिर सेम टू सेम ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन सेम टू सेम मेन वर्ब, फिर क्या है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अगर यहाँ पे आ गया तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसका यह उठ करके यहाँ पे आ गया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट के ही रूप में रखा जाएगा तब तो सेम रहेगा ना, जब ये सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है तभी इसका केस जो है चेंज होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने रखा है क्योंकि इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यह आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक। और उसके बाद में फिर वही बाई जनरल रूल्स, उसके बाद में फिर हमारा जो टीचर है यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है सब्जेक्ट, राइट ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जिसके बेस पर हमने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये नहीं समझ में आया तो चलो एक और देख लेते हैं, इससे 100% और समझ में आ जाएगा, और इसमें मैं आपको प्रीपोजिशन वाला यूज भी बता दूंगा, ठीक। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है द बॉयज टोल्ड मी द स्टोरी, यहाँ पे हम देखेंगे द बॉयज जो है एक सब्जेक्ट है, राइट, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि वर्ब जो है हमारा वो टोल्ड है, फिर हमारा मी जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोरी है, ठीक। तो हमने क्या किया मान लो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है जो ऊपर लिखा गया है, तो पहले वाले स्ट्रक्चर के बेस पर हमने क्या किया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने उठाकर यहाँ पर रखा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो यह नॉमिनेटिव केस में आएगा, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई बनता है, तो यहाँ पर हमने आई रख लिया, आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है, टोल्ड के हिसाब से यहाँ पे वाज या वर ही लगेगा, ठीक। आई है जिसके साथ में वाज लगता है, इसके साथ में वर नहीं लगता, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में रख लिया सेम, और फिर हमने वर्ब को रख लिया सेम, और उसके बाद में हमने स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है जहाँ ये होना चाहिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं है बाई के पहले, और उसके बाद में हमने क्या किया भाई सिंपली जो है द बॉयज जो है जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया गया, राइट। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा तरीका यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरे तरीके में भी यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हमने क्या किया अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर रख लिया सब्जेक्ट के रूप में, है ना, और यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका केस नहीं चेंज होता, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तब इसका केस यहाँ पे चेंज होता, मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जब आप नॉमिनेटिव केस पे रखेंगे तो उसका केस चेंज नहीं होता, राइट ना। ओके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब सेम टू सेम इस टोल्ड के हिसाब से, फिर हमने टोल्ड लगाया, फिर हमने देखा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कि मी के पहले टू है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से,
कि जब हम पैसिव वॉइस में पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके पहले ज़रूरत के हिसाब से टू या फार का प्रयोग हम करते हैं ताकि उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो सके, समझ रहे ना। चाहे आप टू लगाओ चाहे आप फार लगाओ, तो यहाँ हमने मी के पहले टू को लगाया, फिर हमने सिंपली बाई जनरल रूल्स के हिसाब से फिर हमने बॉयज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया हुआ। ठीक, तो गाइज ये है टोटल का टोटल स्ट्रक्चर जिसके बेस में आपने दो प्रकार के सेंटेंस एग्जाम्पल भी सीखे, और ये दो स्ट्रक्चर जो दुनिया के किसी भी सेंटेंस का जो इस पर आधारित हो उसका एक्टिव से पैसिव बनाने का बिल्कुल 100% श्योर्ड एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो ये वीडियो गाइज बस आज में इतना ही है, और हाँ याद रखें अगर आप स्पोकन क्लास ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन तो आप मेरे एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जो ऊपर नीचे कहीं लिखा आ रहा होगा, उसे आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर जाकर के आप स्पोकन क्लास फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ अगर आप बेहतर और भी नॉलेज लेना चाहें ग्रामर का तो आप इसे भी बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके बिल्कुल कंटिन्यू आप वीडियो देखें, बेल आइकन भी प्रेस करें और डेली आप पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।